नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरसों से अकबरपुर लोकसभा के चले आ रहे नाम को बदलकर हनुमंतपुर लोकसभा नाम रखने का प्रस्ताव रखा। दरअसल एक प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मेयर के पुत्र जीत प्रताप सिंह ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि अकबर विधानसभा अंतर्गत कई प्रसिद्ध मंदिर आते हैं, जिसमें कुढ़नी स्थित हनुमान मंदिर, भीतरगांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, घाटमपुर स्थित माँ कुष्मांडा देवी मंदिर, महाराजपुर स्थित काली मंदिर और मैथा स्थित बालाजी मंदिर भी आते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर है। बातचीत के दौरान जीत प्रताप सिंह ने कहा कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा अकबरपुर संख्या 44 का नाम मुगल शासक से चला रहा है और अब जैसे मुख्यमंत्री द्वारा कई जिलों और जगहों के नाम बदलकर हिंदू शब्दों में रखा गया, वैसे ही अकबरपुर लोकसभा का नाम बदलकर हनुमंतपुर लोकसभा रखा जाए। देखिए, आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर मेरे पत्रकार मित्र यहाँ पर आज यहाँ पधारे हैं और आपके इस इन सब जितने भी चैनल हैं सबके माध्यम से मैंने एक निवेदन करी है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से और देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो हम सबके मुखिया हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक निवेदन किया है कि जो लोकसभा अकबरपुर है, अकबरपुर लोकसभा का नंबर 44 नंबर है और ये अकबरपुर लोकसभा जो है मुगल शासक थे, अकबर नाम था उनका, तो उनके नाम पे ये अकबरपुर लोकसभा मुझे लगता है चली आ रही है पिछले कई वर्षों से, जब से लोकसभा अकबरपुर का जो गठन हुआ है, जब से यहाँ चुनाव हो रहे हैं तब से इसको लोकसभा अकबरपुर 44 के नाम पे ही इसको दर्शाया जाता है। तो मेरा एक निवेदन है, मैंने एक अपील करी है, देखिए मैंने इस माध्यम से मैंने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि और जो प्रदेश के हमारे मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनको भी मैंने चिट्ठी लिख के मैंने एक निवेदन किया है। देखिए, इस लोकसभा के अंतर्गत बहुत दिव्य जो हैं वो स्थान आते हैं जहाँ के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। माँ कुष्मांडा जी का मंदिर भी है घाटमपुर के अंतर्गत, जो कि कुष्मांडा माई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कुड़नी के अंतर्गत एक हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर आता है जहाँ पर हनुमान जी की बड़ी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है और मैथा के अंतर्गत एक बहुत विशाल जो है वो हनुमान जी का धाम है। तो यहाँ पे लोकसभा जिसको हम लोग अकबरपुर कहते हैं 44 क्षेत्र है, इसके अंतर्गत बहुत स्थान आते हैं जो दर्शनीय है और जो कि विश्व स्तर पर जो है उनका बहुत प्रचलन भी है, नाम भी है। तो मेरा एक निवेदन है कि हम लोग जैसे कि भगवान श्री राम के नाम पे इतना भव्य जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पे यहाँ पर जो लोकसभा अकबरपुर का जो नाम है उसको बदलकर हम लोग भगवान हनुमान के नाम पे हनुमंतपुर करने का जो है मैंने निवेदन किया है कि इसका नाम जो है हनुमंतपुर लोकसभा 44 तत्काल प्रभाव से चुनाव के आसपास अगर किया जाएगा तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर कि जो लोकसभा वाकई में जो है ये कई दर्शन यहाँ पे दिव्य दर्शन के लिए बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान स्थित हैं, इससे इसका नाम जो है लोकसभा अकबरपुर जो है हटा के इसको हनुमंतपुर लोकसभा 44 किया जाए।